हाय फ्रेंड्स, मैं अभिजीत, मेरा अपना चैनल में आपको स्वागत करता हूँ। तो आज जो मेरा नया कॉन्सेप्ट है, तो हम लोग मास्टर कैम X9 के ऊपर जो इंट्रोडक्शन होता है, हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो इसमें मास्टर कैम में क्या क्या होता है, क्या क्या ऑब्जेक्ट हम कवर करेंगे, ठीक है। तो हम जो सारे हैं एक इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले मास्टर कैम स्टार्ट करने से पहले जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो सबसे पहले जाते हैं फाइल, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले फाइल में जाते हैं, तो फाइल में जाते कोई न्यू फाइल वगैरह जैसे ओपन करते हैं, तो इसमें आपको न्यू फाइल ओपन करना, किसी फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है सेव करना, ओपन करना, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट फोल्डर को इंपोर्ट यहाँ से एक्सपोर्ट करना। तो हम लोग यहाँ पे जो है डाटा माइग्रेशन वगैरह भी हम लोग फाइल में कर लेते हैं, सबसे पहला सिंग जो होता है यहाँ पे। तो दूसरी जो आती है एडिटिंग ऑप्शन आती है, एडिटिंग बार आती है। एडिटिंग बार में हम लोग किसी को कॉपी पेज करना, ट्रिम करना, जो हम एडिट करते हैं, ट्रिम करना, ज्वाइन करना, ब्रेक करना, जो एडिटिंग में आते हैं वो हम यहाँ पे करते हैं। जो थर्ड मेरा जो बार आता है, मेनू बार जो आता है, इसमें मेरा व्यू वाला दे रखा है। इसमें हम लोग जो मेरा टॉगल मैनेजर है, जहाँ पे हम लोग टूल बार चलाते हैं, इसको शो करना है, हाइड करना है, फिट करना है, जूम करना है, अनजूम करना है, हर तरीके से जो व्यूइंग कर्वर है, तो आप यहाँ पे इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। जो मेरा फोर्थ है एनालाइज, इसमें हम लोग मेजरमेंट डिवाइड डिस्टेंस वगैरह मेजर करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम यहाँ से मान लो पॉइंट ए से पॉइंट कितना डिस्टेंस है, तो हम इस तरीके से ऑब्जेक्ट सेंज में सेलेक्ट करना है, एंगल दिखाना है कितना एंगल है, आप मैनुअली इसको कस्टमाइज करके आप देख सकते हो ओवरऑल वैल्यू क्या है, ठीक है। सो फोर्थ मेरा आते सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें हम लोग 2D होते हैं, हम लोग जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जो मेरा एंटिटीज होते हैं, हम इसमें काम करते हैं और कोशिश हम बनाते हैं। जैसे मैं जाऊँगा पॉइंट पे, तो हम लोग पॉइंट पे सारे पॉइंट बारे में डिस्कस करेंगे ब्रीफली, ठीक है। अभी तो मेरा कंटेंट 1 है, इसके आपके ऑलमोस्ट 20 कंटेंट बनेंगे, सारे वीडियो बनेंगे, फिर हम मल्टी एक्सिस में काम करेंगे, ठीक है। मैं आगे बताऊंगा आपको, तो लाइन होगी, ठीक है, फिलेट के भी ऑप्शन आएंगे आपको, चैम्फर के, हर तरीके से आपको लाइन के भी बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, आर का बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। इस तरीके से हम डिसाइड करेंगे कैसे इसको बनाना है, कहाँ पर क्या यूज़ करना है, तो सभी मिलेंगे यहाँ पे, हम बिफेल में बात करेंगे इसको। नेक्स्ट आता है आपको सॉलिड, यहाँ पे कुछ हद तक हम सॉलिड भी बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर इस आपको कॉम्प्लिकेटेड मॉडल में जाना है, जिसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्शन है, ठीक है, उस वाले ऑब्जेक्ट में हम क्या करेंगे, जैसे सॉलिडॉक्स हो गए, आपकी यूनिग्राफी सॉफ्टवेयर हो गई, KTIA हो गई, उसमें हम मॉडल बनाएंगे, फिर उस मॉडल को हम अपना फॉर्मेट में सेव करेंगे, फिर इसको हम इंपोर्ट करेंगे। अगर आपको सिंपल सी डिज़ाइन है तो यहाँ पे भी आप बना सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट आता है हम लोग का मॉडल प्रेफरेंस। मॉडल प्रेफरेंस में हम किसी फेस को या किसी बॉडी को शुरू करना है, मूव करना है, होल एक्सिस को माना है, ठीक है, इसकी और जो ज्योमेट्री है इसको चेंज करना है, तो हर तरीके से ऑप्शन इसमें हम कुछ कुछ करके कर लेते हैं। जो एक्सफॉर्म आता है, नेक्स्ट जो बार है मेरा एक्सफॉर्म, इसमें हम लोग बहुत तरीके से काम कर सकते हैं, किसी को बॉडी को यहाँ से मूव करना, ट्रांसलेट करना, घुमाना, रोटेट करना, स्केल करना, ट्रिम करना, हर तरीके से ऑप्शन हमको यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है इसमें मशीन टाइप, तो यहाँ पे हम लोग को ऑलमोस्ट सारे मशीनिंग कवर हो जाती है, मिलिंग होगी, लेट होगी, वायर होगी, राउटिंग होगी, मिल्टन होगी, तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जैसे हम लोग यहाँ पे आते हैं, जैसे मुझे मिलिंग में जाना है, ठीक है ना, तो मैं अभी इसमें बताऊंगा, पहले मैं इन दोनों ख़त्म कर लेता हूँ। जैसे मैं स्किन पे जाऊंगा, स्किन पे मेरे स्किन कलर चेंज करना है, स्टेटिस्टिक वगैरह अगर, ठीक है ना, किसी पार्टिकुलर एंटिटी को हाइड करना है, ग्रिड ऑन करना है, तो हर तरीके से ऑब्जेक्ट हमको स्किन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट आता है आर्ट कैम के लिए, जो यहाँ पे कुछ हद तक आर्ट कैम भी काम कर सकते हो, ठीक है, हाँ, लेकिन आर्ट कैम में अभी ठीक ठाक काम हो जाता है आर्ट कैम में, उसके लिए आर्ट कैम का भी सॉफ्टवेयर आता है, जैसे ऑटोडेस्क का भी आर्ट कैम आता है, डेल कैम का भी आर्ट कैम आता है, ठीक है, तो आप वहाँ से भी आर्ट कैम यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे भी बना सकते हो आप। नेक्स्ट आपका आता है सेटिंग, सेटिंग्स में हम क्या करते हैं, किसी जैसे कोई फोटो इंपोर्ट करना है तो हम वहाँ पर रॉ यूजर से हम करते हैं, ठीक है, किसी को कस्टमाइज़ करना है अपने हिसाब से, आप कुछ इसकी स्टार्टअप को चेंज करना है, ठीक है, तो आप कर सकते हो। तो इस तरीके से हम मशीनिंग डिफिनेशन मैनेजर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। तो हेल्प में हम लोग किसी कॉन्टेंट को चलाना है, किसी के बारे में देखना है, तो ट्यूटोरियल में कुछ ऑनलाइन आपको काम करना है, तो इसमें हम हेल्प में जाके काम कर लेते हैं। तो ये था इसका मैनुअल, तो इसमें कहाँ पे क्या मिल जाएंगे आपको, क्या सुनने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया आपको मिल जाएंगे। अब जैसे हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, इसका अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है, तो इसके ऊपर हम जैसे क्लास स्टार्ट करेंगे तो हर एक चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ आपको बनाने वाला था, यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ पे मिलिंग में जाएंगे, तो मिलिंग जैसे मैं यहाँ पे करूँगा, तो यहाँ पे मिलिंग की मुझे स्टॉक वगैरह लेने के लिए मुझे ऑपरेशन आगे मिल जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे मिलिंग की किया क्या ऑपरेशन होता है, हम यहाँ पे डिटेलिंग में देख पाएंगे, जैसे होगी कॉन्टूर होगी, ड्रिल होगी, प्रोकेट होगी, फेसिंग होगी, 2D हाई स्पीड, ये जो कमांड है इसको हम 2D के लिए यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम लोग 2D ऑपरेशन करते हैं, तो हम अप टू एनग्रेविंग हम यहाँ पे ऑपरेशन चलाते हैं, ठीक है, ये हम 2D के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है।
अगर आपको 3D में जाना है, 3D ऑपरेशन है जो वहाँ पे आप किसी चीज़ को इंपोर्ट करते हो, यहाँ पे भी बना सकते हो बेसिकली। बस होता क्या है, कुछ कुछ चीज़ें जो है आपको सरफेस पे जनरेट करना पड़ता है, सरफेस के ऊपर आपको कमांड लगाना पड़ता है, तो उस चीज़ों के लिए आपको यहाँ पे ये सारा ऑपरेशन आपको यूज़ करना होगा। जैसे मैं अगर रफिंग करें, देखो यहाँ पे आपको रफिंग के लिए आपको पैरेलल मिल जाएगा, रेडियल मिल जाएंगे, प्रोजेक्ट मिल जाएगा, फ्लोलाइन मिल जाएगा, कंटूर मिल जाएंगे, डिस्मिल, पॉकेट, प्लान्स। तो ये तरीका होता है किस सरफेस में आपको कौन सा ऑपरेशन चलाना है, क्या आपके क्या काम आएंगे, हर तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं नेक्स्ट सरफेस फिनिशिंग में जाऊँगा तो मैं यहाँ पे आपको पैरेलल, पैरेलल स्टेप, रेडियल, प्रोजेक्ट, फ्लो लाइन, कंटूर, सेलो, पेंसिल, लॉक्टोबर, स्केलो, ब्लेंड, हर तरीके से आपको यहाँ पे सरफेस की मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हम ज़्यादा जाते हैं, जैसे हम लोग हाई स्पीड मशीनिंग होते हैं जिसको हम आई मशीनिंग वगैरह भी बोलते हैं। ठीक है, इसका फीडिंग बीडिंग का कैलकुलेशन थोड़ा अलग होता है। ठीक है, इसमें भी हम देख सकते हैं डायनेमिक ऑप्टी रफिंग करना है, एरिया रफिंग करना है, वाटर लाइन स्केल, ऑरिजिनल रास्टर, पेंसिल स्केल, स्पायरल, रेडियल, हाइब्रिड प्रोजेक्ट। ये ऑप्शन आपको हाई स्पीड मशीनिंग में हेल्प करता है, जिसमें आपको टाइम कंज्यूमिंग बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी आप काम कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे करते हैं। बेसिकली ये जो है 3 एक्सिस के ऊपर है। अगर आप इसके ऊपर अगर मिलिंग पे अंदर जाओगे, इसमें मल्टी एक्सिस में भी काम करना है, तो इसमें भी मल्टी एक्सिस का अवेलेबिलिटी है। जैसे हम मल्टी एक्सिस पे जाते हैं, ठीक है, जैसे मेरा 5 कार 5 एक्सिस हो गई। अब इसमें भी ऑप्शन आता है, क्लासिक में काम करना चाहते हो, वायर फ्रेम में या सॉलिड सर्फेस में काम करना है, ड्रिल साइकिल टाइम में करना है, टूल बॉक्स में काम करना है, तो अपना अपना कस्टम भी बना सकते हो। जैसे मैं क्लासिक में आऊँ, क्लासिक में आप देख पा रहे हो कार में काम करना है, तो कार आप सिलेक्ट करना पड़ेगा, मैनुअल कार बनाना पड़ता है इसमें, तो आप कार में काम कर सकते हो। स्पार्क में काम करना है तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट में आप घुमा सकते हो, जैसे टेपर सी सरफेस होती है, ठीक है, थोड़ा रेडियस से होती है, तो इसमें आप इस तरीके से हम कर सकते हैं। फ्लो ड्रिल वगैरह भी होते हैं जिसमें हम लोग, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर यूट्यूब में वीडियो डाल के रखा हो, आप देख सकते हो फ्लो के ऊपर। ठीक है, मल्टी सर्फिसिंग के लिए ऊपर आप कर सकते हो, जहाँ पे बहुत सारी सर्फिसिंग आते हैं। इसमें पोर्ट है जिसके अंदर आपके पोर्ट ही ऑब्जेक्ट है, उसमें आपको चलाना होता है, तो वहाँ पे भी मल्टी एक्सेस का यूज कर सकते हो। रोटरी का भी तो आप कर सकते हो। ठीक है, रोटरी का भी मैंने वीडियो डाल के रखा हो, आप देख सकते हो मेरा यूट्यूब चैनल में जाके CIM डिजाइन करके, आप वहाँ पे है तो आप वहाँ पे देख सकते हो। इसमें मेरा इसकी मैं लिंक डाल लूँगा, इसमें आप देख सकते हो रोटरी का कैसे अमाउंट होता है। ठीक है, तो वायर फ्रेम में जाओगे तो वायर फ्रेम में आपको मोर सर्फेसिंग का मिल जाएंगे, पैरेलल टू मल्टीपल कार भी जहाँ पे होते हैं, काट अलोंग द कार, किसी कार के अलोंग आपको काटना होता है। ठीक है, प्रोजेक्ट का, किसी पार्टिकुलर एरिया को आप प्रोजेक्ट करोगे, सपोज आप कहीं पे टेक्सिंग वेक्सिंग कर रहे हो, उसको आपने किसी सरफेस में प्रोजेक्ट किया हो, तो हम उस पर प्रोजेक्ट कर भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्ट का मैंने काम किया है, मैंने इसमें डाला नहीं है, मैं जल्दी जल्दी डाल लूँगा इसकी पूरा वीडियो। ठीक है, तो हम वो वायरफ्रेम में मिल जाएंगे। नेक्स्ट आता है आपकी सरफेस सॉलिड। ठीक है, पैरेलल टू सर्फेसेस आता है। ठीक है, पैरेलल कार्ड इसका भी मैंने वीडियो डाल के रखा हो। ठीक है, मॉब बिटवीन सर्फेसेस, दो सर्फेस के बिटवीन में आप लगाना है, इसमें भी काम कर सकते हो। रेक्टेंगुलर मेस आते हैं, उसके बाद स्केल अप मिलिंग आते हैं। ठीक है, मल्टी एक्सिस रफिंग आता है, तो हर तरीके से ऑपरेशन यहाँ पे यहाँ मिल जाए। ड्रिलिंग के भी जाओगे तो ड्रिल सर्कल ड्रिल लगाना है, ठीक है, वो भी मिल जाएंगे। टूल बॉक्स में जाओगे तो आप टरबाइन का ब्लेड वगैरह की, इंपेलर के, फुट प्लेन सर्फेस का भी मिल जाती है, तो इसी चीज़ें आपकी मल्टी एक्सिस में कवर हो जाती है ऑलमोस्ट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम कस्टम भी बना सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे आपको सही है। ब्लेड एक्सपर्ट में हम लोग ऑलरेडी, मैंने इसका काम कर चुका हूँ मैं आपको, मेरे पास वीडियो भी है, मैं इसको डाल दूँगा यूट्यूब में, ऑलरेडी मैंने काम कर रखा हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लेते हैं टूल वगैरह, डिसाइड करते हैं यहाँ पे कितना टॉक्स रखना है, स्ट्रीक रखना है, कार्ड पैटर्न कितना लगाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सेट करके उसको डालेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए जो है मेरा ऑब्जेक्ट मिसिंग है, तो इसको मैं काट दे रहा हूँ। तो बेसिकली जो आज की कॉन्सेप्ट है ये मिलिंग के ऊपर है। अब मैं अगर टर्निंग के बात करूँ इंट्रोडक्शन में, अब मैं यहाँ पे लेट में जा रहा हूँ। अब टर्निंग में भी इसमें आपकी जैसे रफिंग हो गई, फिनिश हो गई, ट्रेड हो गई, ग्रूफ हो गई, प्लान स्टन, कॉन्टूर रफ, ठीक है, डायनेमिक रफ, फेस काटो, ड्रिल पॉइंट। ठीक है, ये सब जो ऑपरेशन होता है आपका टर्निंग के लिए आता है, तो टर्निंग में ये सब ऑपरेशन हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सब ऑपरेशन के बारे में आपको बेस नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, कहाँ पे किसको यूज़ करना है, किस जगह में क्या होना चाहिए, तो ये टर्निंग के लिए आता है। तो दोस्तों वैसे ही था कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन आज मिलिंग टर्निंग के ऊपर ही था मेरा। ठीक है, तो ये सब टॉपिक हम जो है कवर करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो कैसे काम होता है। तो दोस्तों मैं आपको इसमें एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये जो मास्टर कैम है ना, इसका भी शॉर्टकट चलता है। ठीक है, मेरे पास PDF है इसकी, जो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। ठीक है, मेरे पास PDF है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। मेरे पास नोट भी है मिलिंग का, टर्निंग का भी नोट है, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ। मेरा मैनुअल है, तो जैसे मैनुअल है यहाँ पे कैसे सॉफ्टवेयर कैसे काम होता है, कहीं पे अगर कुछ गड़बड़ी होता है तो आपको कैसे ठीक करना है, तो ये मेरे पास मैनुअल है, मैं शेयर कर दूँगा लिंक में। ठीक है, तो मेरा जो मेरा ऑनलाइन क्लास चलता है, जैसा मेरा चैनल पर चलता है। ठीक है, तो मेरा खुद का वेबसाइट भी है, उसमें मैं डाल लूँगा। कोई आप अगर परचेस करते हो तो इसमें लिंक मिल जाती है डायरेक्ट, वहाँ से आप जाके लिंक डाउनलोड करके
जैसे आप कंटेंट महसूस करते हो, रजिस्ट्रेशन वगैरह करते हो, तो आपको ये मिल जाता है। ठीक है, मैं आपको दे दूँगा। तो मेरा नेक्स्ट आता है एक्सकेम के ऊपर, मेरा बुक है ये। तो इस बुक में आपको मास्टर कैम, ठीक है, आपको मिल जाएंगे वर्जन नेक्स्ट 9, ठीक है ना। इसके मिलिंग के ऊपर मेरा है, इसमें मैं थोड़ा नीचे आता हूँ। तो आपको हर तरीके से कहाँ पे क्या शेयर करना है, लीड आउट लेना है, सब हर तरीके से डिटेल मिल जाएंगे। कौन सा क्या काम करता है, कैसा क्या लेना सही है, ठीक है। आप इसको अगर थोड़ा देखोगे तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कहीं भी आप फंसने वाला नहीं हो। तो जितने भी मेरा स्टूडेंट है, मैं ऑलरेडी इसको शेयर करता ही हूँ ये बुक, तो हर सर्विस के लिए आपको पता होना चाहिए। देखो दोस्तों, आप एक बार देख लेना, डिटेलिंग में सब कुछ मिलेंगे इसमें आपको, किस सर्विस में कैसा काम होता है। थर्ड जो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, इसमें आती है आपको शॉर्टकट है, ठीक है ना। तो हर मास्टर गेम जो है शॉर्टकट पे चलता है, ये सारे शॉर्टकट होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाऊँ, तो अगर मैं शॉर्टकट के बाद दिखाऊँ, जैसे मुझे एक्सिस को लाना है, तो इसके एक्सिस को लाने के लिए हम लोग F9 दबाते हैं, ठीक है। तो हम लोग F9 दबाएंगे तो हम लोग की कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसके कोऑर्डिनेट लाते हैं। तो इसे शॉर्टकट में काम होता है, आपको शॉर्टकट पता होना चाहिए। जैसे मैं अगर तब व्यू लाना है, अल्टा A1 डालूंगा तो मेरा तब व्यू आ गया, ठीक है। तो मुझे अल्टा डाल के मैंने यहाँ पे अल्टा 1 डालूंगा तब व्यू आ गया, अल्टा 2 डालूंगा तो फ्रंट व्यू आ गया, देखो मेरा व्यू चेंज हो गई। तो लाइक इस तरीके से हमको काम करना होता है। कभी कभी क्या होता है, आप कोई कमांड वगैरह यूज़ करते रहते हो, तो वहाँ पर आपको शॉर्टकट के थ्रू ही काम करना पड़ता है। तो जो इंट्रोडक्शन है मास्टर गेम की, मेरा यही इंट्रोडक्शन है, ठीक है। अब हम आगे वाले मॉडल पे हम लोग काम करेंगे, इसके ऊपर हर कमांड के बारे में क्या होता है, उस फिर हम उसके थ्रू ड्राइंग बनाएंगे। तो लाइक उस तरीके से हम काम करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल लूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है।